Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया बड़े लोगों की यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई तो मैं परफॉर्म कर रहा था मुझे बोलता करिए आप अभी मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे कुछ इनॉग्रेशन था उनका तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर बाउंसर आ रहे तीन चार इवेंट ऑर्गेनाइजर मेरे को कहता हाँ. कि निकलो तुम बच्चन साहब आ गए और मैं वो करने लगा और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी तो उसके अंदर खड़े और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस तो दैट्स व्हाई दैट्स अमेजिंग बच्चन साहब लव यू बच्चन साहब ही इज द बेस्ट ही इज द बेस्ट अच्छा एक शो आता था अंताक्षरी आप सबको याद है रेणुका मैम और अनु कपूर साहब साथ में होस्ट करते थे और मजे की बात है उसमें मैडम भी बोलती थी क्योंकि अदरवाइज अनु जी किसी को बोलने देते नहीं है उसमें इतने प्यारे प्यारे गाने होते थे मैम आजकल आपको पता है अंताक्षरी नहीं खेल सकते क्यों आजकल राइट्स का चक्कर है आपने दो गाने बोल दिए कंपनी बिल भेज देती है आपको तो इसलिए हम अंताक्षरी तो नहीं खेलेंगे पर आपसे कहेंगे कि प्लीज अगर अपनी खूबसूरत आवाज में अगर आप दो लाइनें किसी भी गाने की सुना दें जिसके हमारे पास राइट्स भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा जी मैम कि हम सब गाएं एक साथ आप शुरू करें हम पीछे पीछे सब उतने सुरीले नहीं ऑडियंस भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आपकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आप ही के फैंस के कुछ फनी कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज हैव अ लुक दिखाइए जरा पहली फोटो इतनी खूबसूरत है रेणुका जी और हमारे राणा साहब खड़े हैं वेरी नाइस पिक्चर आइए कमेंट्स देखते हैं रेणुका मैम आशुतोष सर सच में मुस्कुरा रहे हैं या आपने पीछे चाकू लगा रखा है आप दोनों की फोटो देखकर मुझे अभी अभी याद आया कि मम्मी ने मुझे बैंगन और टमाटर लाने को बोला था उन्हें भट्टा बनाना है Amazing. Superb. कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो कि चार लोग कहें जल्दी से बदल लो और दिखाइए This is so funny. मिनी जी ने फोटो डाला है ये द प्रोटेक्टर ऑफ द टॉम्स हाफ मैन हाफ लायन सम बहुत ज्यादा इंग्लिश है फिर कभी पढ़ेंगे ओके नीचे कमेंट्स देखते हैं ये कहाँ की फोटो है मैम इजिप्ट का इजिप्ट हाँ, इजिप्ट कभी गए नहीं हम सुना बहुत है इसके बारे में मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने टूरिस्टों को नया पोज सिखाया है वरना अभी तक तो सब चोटी से ही पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे हाँ वेरी नाइस ये इनको CPR देखकर वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाइए ओह गॉड मिनी जी हर मम्मी के अंदर मम्मी नहीं होती कभी कभी पापा भी होते हैं सिर्फ एक मम्मी ही किसी और मम्मी के इतना करीब आ सकती है मेरे पापा किसी और की मम्मी के करीब आए थे मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत मारा था और दिखाइए परिजान ने फोटो डाला है द ओशन ब्रीज सूदिंग साउंड्स ऑफ वेव्स एंड सनशाइन कीप मी एट पीस लड़कों को कभी ऐसे नहीं आते हैं कैप्शन हम ज्यादा ज्यादा लिखते हैं ठंडी रेत है ना मतलब क्या बोले आदमी बहुत प्यारी पिक्चर है परी आपकी दिखाइए नीचे कमेंट्स आप टैन होके भी अच्छी दिख रही हैं मैं टैन हो जाता हूं तो सिर्फ दांत दिखते हैं लोग पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं आप कोहनी के निशान छोड़ के जाएंगे अच्छा हुआ आपने हाथ से मुंह पकड़ा हुआ है मेरा गिर गया था ये बहुत अच्छा है।
ऐसी ही लड़कियों के कारण जूहू बीच वालों ने 70 रुपए की पाव भाजी 140 की कर दी है। टू फनी। ओह, और दिखाइए कौन? लो जी, रिचा जी ने, वाओ रिचा जी, मैं सीरियसली सल्यूट करता हूँ, आपने कितनी स्ट्रगल किया ना, कहाँ से आप कहाँ हो, अच्छा आपका नहीं है, ओके सॉरी सॉरी। Attended the launch of a wonderful camp. फिर इतनी सारी इंग्लिश फिर। ओहो, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑटो वाले को लगा ये इंटरव्यू लेने आई हैं, वो तैयार होने चला गया। आगे दिखाइए और। रिचा दीदी, ये शॉल आपने खरीदा है या आप कहीं चीफ गेस्ट बनी थी? और दिखाइए। लो जी, दीप्ति जी ने फोटो डाला है हमारे प्यारे अब्बास मस्तान साहब के साथ और हुसैन भाई। ये कहाँ, कब की फोटो है ये? ये मेरी फ्रेंड पूजा बत्रा की बर्थडे की फोटो है। okay. क्योंकि हमें गेस्ट से ही पूछना पड़ता है, क्योंकि अब्बास भाई वगैरह के कपड़े तो सेम ही रहते हैं तो हमें आइडिया लग पाता है कौन से फंक्शन की फोटो है। जी कमेंट्स दिखाइए। अब्बास मस्तान को तो दुनिया पहले से जानती है, तीसरे भाई आज आपके चक्कर में बाहर आए हैं। अब्बास मस्तान हमेशा सफेद कपड़ों में रहते हैं लेकिन फोटो कलरफुल लड़कियों के साथ खिंचाते हैं। वैसे तो तीसरा अंपायर दिखाई नहीं देता, आज तीनों दिख रहे हैं। मैडम, मेरी लॉन्ड्री की दुकान है, इनसे पूछ के प्लीज बताओ ना, इतनी सफेदी कौन सा पाउडर देता है। और दिखाइए। रेनुका जी ने, ओ वाह मैम, आप चला लेते हो ट्रैक्टर? मैडम, मैंने कोशिश की थी एक बार। अच्छा, ऐसे चला लेती हूँ, मतलब रेगुलरली नहीं चला। खेतों में तो चला ही सकते हैं, खेतों में कौन सा ट्रैफिक है? हाँ, नहीं वो तो ट्रैफिक नहीं, ये लोग रहते थे वहाँ पर, वो भी अपने ही होते हैं। हाँ, पर उनको मारना तो सही नहीं। आइए नीचे देखते हैं जी। ये दोनों आदमी पहले सामने खड़े थे, इनके बैठते ही साइड में आ गए। किसी ने लिखा है ये ट्रैक्टर डीजल पे है या पेट्रोल पे, उसको किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई लोन पे। प्रणाम भाभी माँ, जिसने आशुतोष भैया को इतने साल चला लिया, ट्रैक्टर चलाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या ये पड़े आए लोग हैं। और दिखाइए। लो जी, मिनी जी ने फोटो डाला है। ए, आप हर फोटो पे इतनी इंग्लिश लिखती है मिनी जी। मेरे कैप्शन थोड़े लंबे होते हैं। आदमी कमेंट कहाँ करे, देखो आप यहाँ पे कमेंट करने, वहां पे आपने कैप्शन भर दिया है। डू नॉट जज मी फॉर बींग संस्कारी, बट वंस एवरी विंटर आई ट्रांसफॉर्म इन टू माई ग्रैंड मॉम एंड मेक फ्रेश अचार फ्रॉम हर हैंड रिटन रेसिपी। अभी भी कितनी बाकी है। सॉरी, मेरे अंदर बहुत कहानियां हैं। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये मैंने डिलीट क्यों नहीं किए मेरे को? मैडम, इतना सब लिखने की जगह अगर आपने अचार के साथ पापड़ फ्री लिखा होता तो ज्यादा बिक्री होती। और दिखाइए। आप अचार अच्छा बना लेती हैं, मैं पूरी अच्छी बना लेता हूँ, हम दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मैंने दादर स्टेशन पे स्टॉल भी देख रखा है। ये खुली जुल्फे ये लाली उफ क्या मार डालोगी, ये सारा सामान क्यों रखा है, इनका क्या अचार डालोगी? उन्होंने अचार डालने के लिए ही रखा है भैया। लड़कियां मन में ठान ले तो मिर्च भी पिंक कलर की ढूंढ लेती है। हाँ मिनी मैम, ये हमने देखी नहीं कभी इस कलर की मिर्च। मैं खास ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, और ये पिंक नहीं है, रेड है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया कलर। हाँ। पीछे फूल भी बैकग्राउंड में पिंक लगाए हैं आपने। हाँ। और आगे देखते हैं। और भी है, बकान। फरीजात का फोटो आ गया है। When words fall short, chocolate can speak volume. मैं क्या एक दो लाइन में ठीक रहता हूँ, किसी चौथियों पकड़ जाता हूँ। आप चॉकलेट बना लेती हो? हाँ, लॉकडाउन में। हम तो सुपरमार्केट खोल सकते हैं, बहुत अचार चॉकलेट क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। क्राफ्ट ट्रैक्टर चला के मार्केटिंग कर लूंगी। मैं पापड़ बनाना जानती हूँ, मैं खाऊंगी। आप खेतों में, मैं खाती हूँ। क्या बात है, एक सबसे मेहनत वाला काम। सुपरमार्केट खुल गया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। परी जी, आपसे चॉकलेट खरीद के वैलेंटाइन डे पे आपको ही भिजवा सकते हैं क्या? किसी ने उसको रिप्लाई किया है, तेरी माँ ने थेपले मंगाए हैं, पहले वो लेके जा, घर पे इंतजार कर रही है। मैंने भी ऐसे चॉकलेट बनाने वाली लड़की से शादी कर ली,
वो सिर्फ वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट बनाती है, बाकी साल भर मैं रोटी बनाता हूँ। तो हमने कहा था भुगतो अब। अरे आप चॉकलेट की बात कर रही हैं, आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगा। किसी ने फिर रिप्लाई किया, मैंने तेरी फोटो देखी है, तू अपना हाथ भी चाट लेगा तो भी मर जाएगा। देखो लोग आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। और दिखाइए। रिचा जी ने ये फोटो डाला, सरसों के खेत, ताजी हवा, सर्दी की धूप और हमारा बुंदेलखंड। वेरी नाइस पिक्चर रिचा जी। आइए कमेंट्स देखते हैं। मैं भी आपका राज बन के आता मगर गूगल खेत का रास्ता नहीं दिखा रहा। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खेतों में सिमरन और रिचा दिखती हैं। हम जाते हैं तो सुरेश और घनश्याम ही दिखते हैं। ये बेस्ट है। सरसों के खेत में फोटो खिंचवाने गई थी, चार आदमी उठ के भागे इसलिए हंस रही है। हाँ, सरसों के खेत में परसों से बैठे होंगे वो। लोटा लेके। और दिखाइए। लो जी, भटनागर साहब आ गए हैं फिर लंबे कैप्शन के साथ। If you love food, then this is the place to be. Oh, बहुत अच्छी पिक्चर। आइए आइए कमेंट्स देखते हैं। आप बोल रही हैं तो लंदन मान लेते हैं, वरना बैकग्राउंड से तो कुरला लग रहा है। टार्पोलिन देखो। ये सूंघ कर चेक कर रही हैं कि मार्केट की तरह संतरे भी तो पुराने नहीं हैं। आप अंडा सूंघ के बता सकती हैं उसमें मुर्गी निकलेगी या मुर्गा? ये क्या बात हुई? और दिखाइए। मैम प्लीज, जो संतरा आपने पीछे छुपाया उसको वापस रख दो। और दिखाइए। टू गुड, टू गुड। खत्म, धन्यवाद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.